क्या प्रेगनेंसी टेस्ट किट को फ्रीज में रख सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी की जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो दोस्तों, अब आपको बताता हूँ कि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट किट को फ्रिज में रखना चाहिए या नहीं। उसे जानने से पहले आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी प्रेगनेंसी टेस्ट किट हो उसे किस टेम्परेचर में रखना चाहिए। जी हाँ, यही बात सबसे ज़रूरी है, जिसे जानने के बाद आपको आपके इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट को फ्रिज में रखना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट को 2 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर वाली जगह में रखना चाहिए, उससे ज़्यादा या कम टेम्परेचर वाली जगह में नहीं रखना चाहिए। ऐसे में प्रेगनेंसी टेस्ट किट को फ्रिज में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि फ्रिज में नमी और मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी किट के अंदर आपको एक सिलिका जेल मिलता है जो इस तरह के पैकेट में दिखाई देता है। तो दोस्तों, इस जेल का काम यही होता है कि अगर मान लो आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किट को नमी या मॉइस्चर वाली जगह पर रखा हो तो उस मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेता है ये जो जेल होता है वो। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा कम हो तो उस कंडीशन में ये जेल भी ज़्यादा वर्क नहीं करेगा, और उसके बाद बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे आपके किट के ख़राब होने के। अब क्योंकि फ्रिज में टेम्परेचर ज़्यादा लो होता है, तो उस कंडीशन में अगर आपने किट को फ्रिज में रखा तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट किट खराब हो जाएगा। उसके बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगी तो आपको रिजल्ट एकदम गलत शो होगा, हो सकता है आपको इनवैलिड प्रेगनेंसी टेस्ट का रिजल्ट भी शो कर जाए। एक और बहुत ज़रूरी बात है दोस्तों, जब भी आप प्रेगनेंसी चेक करने के लिए प्रेगनेंसी किट लाए तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना हो केवल तभी प्रेगनेंसी किट को खोलना यानी कि ओपन करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट 1 या 2 घंटे बाद करना हो और आप किट खोलकर बैठ गए हों, ओपन करके बैठ गए हों। अगर आपने ऐसा करा तो इस कंडीशन में भी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट किट खराब हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये थी आज की हमारी ज़रूरी जानकारी आप सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। धन्यवाद दोस्तों।